दोस्तों, इस वीडियो मैच जो कवर करने वाले साउथ अफ्रीका ए और इंडिया ए के बीच जो कि टेस्ट मैच खेला जाएगा, जो कि फर्स्ट टेस्ट मैच है। और मैं आपको बता दूं कि इस मैच में बारिश होने के जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है, बारिश आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यही नहीं, अपनी टीम इंडिया ए में चेंजेस बहुत सारे हुए, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच को मिस कर सकते हैं। सबसे पहला काम करो, क्योंकि बहुत से चेंजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसे मैचेस में। तो सबसे पहला काम करो, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पर ऑलरेडी 41,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे भाई। तो टेलीग्राम चैनल मिस मत करें, क्योंकि यही एक ऐसा जगह जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पे पार्टी भी मिल जाता है, अपडेट्स वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है, डेली फ्री विनिंग टीम डेली विन करते मेरे भाई। तो टेलीग्राम चैनल जोर से ज्वाइन कर लेना, फेक मत करना, आप सीधे सीधा काम करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करो, आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, या फिर सीधे सीधे कमेंट बॉक्स जाओ, एक लिंक पिन कर दो, उस पर टैप करके ज्वाइन कर दो। दोनों लिंक 100% काम करना, चाहे आप कमेंट सेक्शन के लिंक से आओ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आओ। बाय चांस मार्केट सर्च करना हो तो सर्च भी करके कर सकते हो, लेकिन सर्च करके बहुत सारे फेक आएंगे। सर्च करना हो तो सर्च करना टेलीग्राम की सर्च बार जाके, बिना स्पेस देखे, बिना स्पेस बार के यूज़ मत करना, ऐप इलेवन टीम लिखोगे इस तरह से तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अभी के टाइम 41,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कल भी मैच कवर किया, एक तरफा भी किया, हर एक मैच हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं भाई। यूज देखो यार, ऑफिशियल ज्वाइन करना देखो। तो टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़, उसको हम आप लोग कवर अप करेंगे, कोई फालतू का टाइम वेस्ट कर लेंगे। पता है एक बार इस वीडियो शूट करो तो इस एफर्ट्स के लिए यार, इतना एफर्ट्स आप डाल रहा हूँ, तो इस एफर्ट्स के लिए वीडियो को जूस लाइक कर, डेली एक बार वीडियो शूट करता हूँ, तो लाइक जूस कर देना। देखो भाई, ये जो मैच है कहाँ पे खेला जाएगा, ये मैंगोंग में मैच खेला जाएगा, विकेट है। तो ये जो है ना, बारिश होगा यार, बहुत ज़्यादा चांसेस है बारिश के, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बारिश होगा तो होगा, हवा भी तेज़ है, बारिश भी होगा, बहुत चांसेस है। अब लास्ट 5 मैच देख रहे तो दोनों टीम्स का, अपनी टीम इंडिया, अपने सबसे पहले साउथ अफ्रीका देखोगे, लास्ट 5 में सिर्फ 2 ही मैचेस विन करके आ रहे, जबकि अपनी टीम इंडिया लास्ट 5 में से 4 मैचेस विन करके आ रहे। टीम इंडिया एक ही बात करो, साउथ अफ्रीका एक ही। बात करते हैं पिच रिपोर्ट, ये जो विकेट है कैसा है, तो ये जो मंगोंग का जो विकेट है कैसा है, तो ये मंगोंग ओवल का जो विकेट है वेल 14 में खेला जाएगा। तो ये जो है देखोगे तो ये 70% पेसर्स का बॉल वाला है, 30% स्पिनर्स का, यानी कि अगर 10 विकेट गिरते हैं तो 7 विकेट पेसर्स को मिल सकते हैं, 3 विकेट स्पिनर्स, यानी कहीं कि पेसर्स की थोड़ा सा ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरा, इस विकेट पर एवरेज स्कोर जो बनता है फर्स्ट इनिंग में 228 रन, अब देखा टेस्ट मैच के हिसाब से ये रन ठीक भी है और नहीं भी ठीक है, तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि पिच थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली आप कह सकते हो। बॉलिंग पिच 80%, 20% ही बैटिंग फ्रेंडली है, तो 228 रन का बन रहा है, तो मेरे हिसाब से पिच थोड़ा सा कहीं ना कहीं बॉलिंग के फेवर में थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, बैटिंग के फेवर थोड़ा सा कम है। उसके अलावा बात करते साउथ अफ्रीका ए की, सबसे पहले बात करते लाइनअप से, हालांकि देख लो इनका लाइनअप, हालांकि बैटिंग और कन्फर्म में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मान के चलिए ये होना चाहिए इस मैच के लिए अवेलेबल है। जो प्लेयर्स अवेलेबल उन्हीं का मैं नाम लूँगा। उसके अलावा देखोगे निकी लिल्टन, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन टीम से, काफ़ी टैलेंटेड विकेट कीपर है, ओपनिंग करेंगे एसक्यूलिस के साथ। अगर एसक्यूलिस, अगर आपने डोमेस्टिक मैचेस खेले तो आपको याद होगा एसक्यूलिस ओपनर थे और कैप्टनसी करते, काफ़ी अच्छे प्लेयर। जेडो फिलिप्स की टीम से मैच के लिए अवेलेबल है, वर्णा बैटिंग करेंगे, जुबेर हमजा भी अवेलेबल है, खैरी जोंडो भी अवेलेबल है। उसके अलावा देखो यार, जेजे स्मिथ की बात करें जूती नहीं है, ये जोसन स्मिथ अच्छा प्लेयर टीम से, जोसन स्मिथ है टीम से तगड़ा प्लेयर है, बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी अच्छी करता है। उसके लिए बी पर्सन जो कि कैप्टनसी कर रहे, बी पर्सन ना बैटिंग कुछ खास नहीं करता लेकिन बॉलिंग से विकेट टेकिंग का बॉलर है। डी ओलिवर भी अवेलेबल है, इथिन वॉच भी अवेलेबल, बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है। उसके अलावा बी फॉर्चून भी अवेलेबल है, उसके अलावा टी मोरिकी भी अवेलेबल है। तो ये साउथ अफ्रीका एक है लाइनअप। कुछ लोग बोलेंगे शॉर्टकट में नाम क्यों लिखे भाई, बहुत कम समय था मेरे पास तो इसलिए मैं सोचा शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो ये तो साउथ अफ्रीका लाइनअप से, इसी 11 प्लेयर अपनी टीम क्रिएट करना है। एक बार बेंच में देख लो, जो कि बड़े बड़े प्लेयर्स बेंच पे भी है, रहमान बेंच पे रहने वाले। उसके अलावा देखोगे ब्रिटिक है, जो कि टीम से इन्फॉर्म बनता था, वो भी बेंच पे है, रिचार्ड्स भी बेंच पे रहेगा, तो बड़े प्लेयर्स काफ़ी बेंच पे है भाई। अपने इंडिया के एक ही बात करती है, काफ़ी परफेक्ट है भाई। देखोगे तो ऋतुराज इस बार बेंच पे रहने वाले, देखो पहला ही नाम है ऋतुराज गायकवाड़, बेंच पे रहेंगे, जो कि टीम से भरत जो कि टीम से कैप्टनसी करेंगे, टेस्ट मैच के स्टार प्लेयर है, आप कैप्टन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। भरत मतलब एक इन्फॉर्म बनता है, विकेट कीपिंग करेगा, ध्रुव जोरेल के साथ ओपन करेगा। उसके लिए अभिमन्यु, जो कि सबसे टैलेंटेड, सबसे एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा इन फॉर्म में टेस्ट मैच का स्टार प्लेयर, अभिमन्यु इस मैच के लिए अवेलेबल है टीम से। उसके अलावा एसएम खान वगैरह भी अवेलेबल है, एसएम खान बोल रहा हूँ, सरफराज खान भाई, सरफराज खान आप कवर करके, सरफराज खान को इंपॉर्टेंट पिक रहेगा आपके लिए। देवदूत पटेल भी अवेलेबल है, साई सुदर्शन होम बंदा भी अवेलेबल है यहाँ पे, अक्षर पटेल भी है, सौरभ कुमार भी है, शार्दुल ठाकुर भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, नवदीप सिंह सैनी भी अवेलेबल है, नवदीप सैनी जो मतलब प्लेयर है नो डाउट। तो ये है इंडिया एक लाइनर्स, बस एक ही बड़ा प्लेयर है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, अदरवाइज वॉशिंगटन सुंदर भी अवेलेबल है ना, कुलदीप यादव वगैरह कोई नहीं मतलब। तो ये देखोगे तो ठीक है भाई, तो सार दस पांडे भी अवेलेबल नहीं है, बेंच पे नाम है,
तो काफ़ी बड़े नाम्स बेंच पे रहने वाले, लेकिन ये जो है ना यार प्लेयर जिस वक्त सबसे अच्छा नाम मुझे लगा, अभिमन्यु अवेलेबल है, देवदत्त अवेलेबल है, और साई सुदर्शन, अक्षर पटेल वगैरह है, उसके लिए अपना भरत है ही, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो अपडेट्स हैं यार देखो कुछ भी चेंजेस हो सकता है तो टेलीएम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि डीएमओ टीम यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा हूँ, लेकिन पार्टी आपको टेलीएम पर टाइम टू टाइम मिल जाता है, 15 मिनट पहले मिल जाता है, ग्रैली के भी मिल जाता है, स्पॉली के भी मिल जाते हैं, तो टेलीएम चैनल उसे ज्वाइन कर लेना। 41 हज़ार से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और आपने ज्वाइन नहीं किया डेली विन करते मेरे भाई, डे हो डेली विन करते हैं, डेली के डेली, तो जो उसे ज्वाइन कर लेना है ना, बहुत करते प्लेयर वाइज सर्विसेस है। देखो यार ऐसा है ना, ये मैचेस ना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे रहते, कोई ख़राब नहीं है, टेस्ट मैचेस वेस्ट मैचेस कहा जाता है उसे, तो पता है अभी मैंने अभी 4 वीडियो शूट करके रखा, लगातार 4 वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी ये दिन का 1 बजे से शूट कर रहे हैं स्टार्ट की, 7वां वीडियो आई थिंक, 6 या 7 वीडियो शूट कर चुका हूँ। बात करें विकेट कीपर शेडिंग, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर से लाइक, इससे मोटिवेशन मिले, इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कॉल पर सेट कर दो, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है इसी साल में 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है इसी साल, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा उसे दबा जो उसे देना, जिससे मोटिवेशन बहुत तगड़ा मिलता है, अच्छी टीम क्रिकेट करने में हेल्प मिलता है, मैं आपसे पैसे कभी नहीं मांगता हूँ, तो वो चीज़ उसे कर लेना। देखो यार भरत अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट कैप्टन भी कर सकते हो, देखिए देखो यार देखो यार निखिल टॉन को कवर कर चलो, निखिल टॉन को लेने का फायदा है कि विकेट कीपिंग भी अच्छा करता है, प्लस सबसे बड़ी बात कि टीम से इनफॉर्म बनता है, उसके क्यूलिस भी अच्छा प्लेयर, टीम से कैप्टनसी करता था साउथ अफ्रीका के डोमेस्टिक मैचेस में, अगर पिक क्या चाह रहे तो कर सकते हो गलती में, हालांकि लोग सिलेक्शन में इस पर टीम ने इसके लिए यूज़ करो, अच्छा प्ले टीम से टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, आर रहमान टीम से अवेलेबल नहीं है, ध्रुव जोरेल आए हैं ऋतुराज की जगह पे, तो ध्रुव जोरेल भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऋतुराज की जगह पे, बट दो इनफ है अभी के लिए। उसके अलावा पिच बॉलिंग फ्रेंडली उस हिसाब से टीम बनाऊंगा, ऋतुराज गायकवाड़ लोग 81% लोग पिक तो कर रहे हैं, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है इस मैच के लिए, तो कवर करने कोई मतलब बनता नहीं है, साइड रखेगा, इनकी जगह पे ध्रुव जोरेल आए हैं, अभी मैंने अवेलेबल है सरफराज खान अवेलेबल, जेड हमजा अच्छा है, खैर जो इनफॉर्म बनता है भाई, वो देखो जेड हमजा भले ना चले बट खैर जो चल जाता है भाई, उसके देवदूत पटिकल अच्छा रहेगा, ब्रेटी केज जो कि अच्छा प्रैक्टिस, ब्रेटी केज टीम से अवेलेबल है, जो डब्ल्यू भी अच्छी है अच्छा प्रैक्टिस, साई सुदर्शन इनफॉर्म बनता है, तिलक वर्मा है क्या ब्रो, तिलक वर्मा नाम नहीं है भाई, बेंच पे नाम है ठीक है, तो तिलक वर्मा को पिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग बेंच पे नाम है, तो कवर नहीं करते फिलहाल, मैं 4 इनफ मानता हूँ अपनी टीम में, देवदूत पटेकर साई सुदर्शन से क्योंकि बंदा क्या कि इन्फॉर्म है बंदा, या जल्दी आउट होता नहीं है इसे भी, इसीलिए अगर कुछ लोग बोलेंगे कि यार अपनी टीम में कोई साउथ अफ्रीका का बैटर नहीं, तो एक खैर जोड़ने मुझे बहुत से लगते हैं, बहुत इन्फॉर्म प्लेयर है, जेट हमसा से भी ज़्यादा ये ना टॉप 3 में इसलिए इसको शो कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, खैर जोड़ने सबसे अच्छा प्लेयर है। उसके अलावा सबसे पहले अक्षर पटेल इंपॉर्टेंट है, वॉशिंगटन सुंदर बेंच पर रहेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे, सौरभ कुमार भी इस मैच के लिए अवेलेबल है, इतनी मॉच इंपॉर्टेंट है टीम से, बी पर्सन बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते, कवर कर लो यार, सारे प्लेयर्स उन्हें इधर ही कवर नहीं, तो बॉलर में कैसे कवर करूंगा यार, ड्रॉप में कर भी नहीं सकते इसमें से किसी को। उसके अलावा बॉलिंग में देखोगे इतने सारे ऑप्शन है, कुलदीप यादव बेंच पे रहने वाले ठीक है, ध्यान है कुलदीप यादव बेंच पे रहेंगे, डी ओलिवर अवेलेबल, संदू ठाकुर अभी पहुंचे अवेलेबल, प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है, नवदीप सिंह सैनी अवेलेबल है, अक्षदीप भी अवेलेबल है, तुषार देशपांडे भी अवेलेबल नहीं है, वी के पे भी अवेलेबल नहीं है, तो नीचे कोई अवेलेबल नहीं है ये सिवाय डी ओलिवर है, सिद्धार्थ, और उसके अलावा संदू ठाकुर है, बी पहुंचे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा भी अवेलेबल नहीं है भाई, यहाँ तक प्रसिद्ध कितना अवेलेबल है भाई, प्रसिद्ध कितना अवेलेबल, सॉरी कहेंगे प्रसिद्ध कितना अवेलेबल है, कवर कर सकते हो, लेकिन यार मैं खुद सोच रहा हूँ कि अपने टीम में बी पर्सन को ड्रॉप नहीं कर सकता, कैप्टन से साल कर रहा है बंदा, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, इथन बॉच बहुत टैलेंटेड टेस्ट मैच के स्टार प्लेयर है, जैसा सुन तो सवाल ही नहीं उठता, साई सुदर्शन को ड्रॉप नहीं कर सकता, पडिक्कल अच्छा प्लेयर है तो ड्रॉप में कर नहीं सकता यार, सरफराज खान वो टेस्ट मैच का वो स्टार है, तो हमें फिलहाल के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा जो मुझे लगता है साई सुदर्शन, या फिर अभी मैंने को ड्रॉप मत कर, बंदा बहुत इन्फॉर्म पहले बोल रहा हूँ, 12% सिलेक्शन बनते को मैं साई सुदर्शन को ड्रॉप कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी में हो भी सकता है मेरी टीम में, ध्यान रखना सिर्फ डेमो के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, सिर्फ डेमो के लिए, अभी के लिए कुलदीप यादव अवेलेबल नहीं है, आप सिर्फ डी ओलिवर को कवर कर सकते हो, लेकिन शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी करके पड़े वो टेस्ट मैच में बैटिंग करके दे देंगे, प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा है, फॉर्चून भी अच्छा है, तो फॉर्चून के साथ जाऊँगा, हालांकि प्रसिद्ध के साथ अच्छी बॉलिंग कर लेते, लेकिन फॉर्चून की बात ही अलग भाई, ओवर टीम बन चुकी है भाई, लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे, हालांकि भी पर्सन में ड्रॉप नहीं कर, जो कैप्टनसी कर रहा है बंदा इसकी जगह पे मैं नहीं पिक कर सकता, क्योंकि बंदा ऑलराउंडर है और टेस्ट मैच है ये तो मार लेगा आपकी, तो इसलिए ध्यान रखना, 6-5 का कॉम्बिनेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टीम परफेक्ट है, साई सुधर से बस अपनी टीम में नहीं है, अदरवाइज सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वैसे साई सुधर T20 का प्लेयर है, तो टीम परफेक्ट है कुछ भी कहूँ। कैप्टन कैप्टन देखो यार अपनी टीम में अक्षर पटेल लोग कर रहे हैं, बहुत लोग ऋतुराज को कर रहे हैं, बट ऋतुराज अवेलेबल नहीं है, मैं अपना कैप्टन प्रेफर करूंगा, अभिमन्यु के साथ जा सकते हो,
और भरत के साथ जा सकते हैं, ये दो बहुत अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा सरफराज खान भी इन फॉर्म है, जोसेफ स्मिथ भी जबरदस्त इन फॉर्म प्लेयर है, तो वाइस कैप्टन अपने हिसाब से सीबीसी कर सकते हो। मैं अपनी टीम यहाँ से कैप्टन भरत के साथ जाऊंगा, क्योंकि विकेट कीपिंग प्लस टीम इन फॉर्म बन रहा है, कैप्टन से कर रहा है, टेस्ट मैच का स्टार प्लेयर है, कवर कर चला एज ए कैप्टन। वाइस कैप्टन अपनी टीम में अभी मैंने के साथ जा सकते हो, या फिर अपनी टीम में वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को कर सकते हो। मैं अपना वाइस कैप्टन जोसेफ स्मिथ भी अच्छा ऑप्शन लेता, लेकिन वाइस कैप्टन में देखो अभी मैंने क्या है कि पिच बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, इसलिए अपने टीम वाइस कैप्टन देखो नहीं यार, एक मिनट को यार, वाइस कैप्टन अपनी टीम में मुझे लग रहा है शार्दुल ठाकुर अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या फिर जसवंत सिंह वगैरह, जसवंत सिंह अच्छा ऑप्शन है टीम में से। लेकिन अपना वाइस कैप्टन अक्षर पटेल के साथ जा रहा हूँ, सीबीसी रिवर्स भी कर सकते हो, अगर रिवर्स करने का मन है तो रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार मैच पहली बात होगा ही नहीं होगा, ये कन्फर्म है नहीं यार, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। सेम टाइम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, स्मॉली की टीम है, हालांकि देखो यार स्मॉली टीम है, जैसे आप हेडकोर्ट से 100 मेंबर्स यूज कर सकते हो, ये टीम थोड़ा सा रिस्की सा लग रहा होगा, लेकिन ये टीम परफेक्ट है, सीबीसी रिवर्स कर सकते हो चाहो तो, या फिर अभी मैंने को पिक कर, चलो इसको कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो टीम में, क्योंकि बहुत इन्फॉर्म प्लेयर है, जो पुराने फैंटेसी पर उनको समझाने जरूरत ही नहीं पड़ता है भाई ये सब चीज़ें। सेम टाइम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, आप ग्रैली वगैरह खेलो तो देवदूत पर्टिकल को कैप्टन ट्राई करना, रिकी को रिकिल टोन को कर लेना, उसके अलावा जोसेफ स्मिथ को कर लेना, और उसके अलावा बी पर्सन को कर लेना, फॉर्चून और साथ साथ शार्दुल ठाकुर को कर लेना, ये सब काफ़ी अच्छे ऑप्शन है सीबीसी के लिए। भारत ऐसे मैं कैप्टन गया हूँ वाइस कैप्टन अक्षर पटेल के साथ। सेम टाइम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, जैसा स्मिथ भी अच्छा रहता है वाइस कैप्टन के लिए तो, बट क्या है अक्षर पटेल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसलिए, हालांकि जैसा स्मिथ भी अच्छी हिटिंग करता है भाई, स्मॉल टीम है, टीम परफेक्ट है, कुछ भी कहो टीम परफेक्ट है, देखेंगे मैच होगा भी नहीं होगा देखेंगे। सेम टाइम कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम साथ, देखो टेलीएम से ज्वाइन करोगे टाइम टू टाइम अपडेट अपने यहाँ पर देता हूँ, तो टेलीएम चाहे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डेमो टीम है वो, अगर टीम प्रीव्यू आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा काम करो आप सीधे से क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की, आपको टीम अच्छे से दिख जाएगा। बाकी सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके जाना, सभी की रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब बटन ठोक के जाना, कोई डाउट होता नीचे कमेंट करना, बाकी टीम परफेक्ट है, टीम परफेक्ट है, कोई डाउट होता नीचे कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करो, वीडियो मुझे शेयर करें, और वीडियो देखने से धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।